जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन मजदूर दोस्तों में से दो ने दोस्ती के विश्वास का खून कर दिया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी कर मृतक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जिले के जौरा थाना अंतर्गत पुराना जौरा निवासी विजय यादव का अपहरण अपराधी ने नहीं बल्कि विजय के दो दोस्तों ने किया था। वहीं शहर से बाइक पर ले जाकर निधान नरहेला के पास नहर किनारे दोनों ने मिलकर विजय की हत्या कर दी और शव को एक बोरी में भरकर पत्थरों के नीचे छिपा दिया। रात भर घर न आने से विजय के परिजन चिंतित हो गए। इस दौरान सुबह परिजनों के पास विजय के फोन से ही 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को युवक की तलाशी के दौरान दोनों दोस्तों पर संदेह हुआ, जिनको हिरासत में लेते ही घटना का खुलासा हो गया। दोनों आरोपियों को शक था कि मृतक के परिजनों के पास बहुत ही अधिक कृषि भूमि है, जिससे उन्हें लाखों रुपए की फिरौती मिल जाएगी। जौरा से अखिलेश परासर की रिपोर्ट। एक ही मोबाइल से फिर नहीं फोन लगाया मैं तो। अच्छा, मैं तो क्या कही थी उन लोगों ने? 40 लाख रुपए भेज दो, नहीं तुम्हारे भैया की लाश भी नहीं मिलेगी। मेरे लड़के पकड़ की है तुम्हारे लड़के की? हाँ, पकड़े हुई है। यही बात हमने इनसे करवाई थी। तो ये बात तुमने क्या पुलिस को बताई थी? 40 लाख रुपए मांग रहे हैं वो लोग। दरोगा जी से बात कराइए। उन्होंने इसको ले जाके नहर के पास ले गए हैं और वहाँ जाके इसको मार डाला है। मारने के बाद इसी के मोबाइल से, मृतक के मोबाइल से उन्होंने परिवार को फ़ोन किया पैसों के लिए, और ये बात निकल के आई है कि पैसों, मतलब मारने का उद्देश्य यह था कि उनकी पहचान छुपी रहे। बाकी विवेचना जारी है। आरोपी पकड़े जा चुके हैं? हाँ, दोनों आरोपी अभी पकड़ लिए गए हैं।